वेलकम टू ओनली ऑल स्वागत है आप सभी लोगों का बूस्टर न्यूज डिस्कशन में आज है 24 जनवरी 2022 तो आइए देख लेते हैं कैसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं आगे बढ़ने से पहले ये जानकारी है यूपीएससी सी सैट एक्सपर्ट प्रोग्राम के बारे में इसमें सी सैट का पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा जिसमें आपका क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड लॉजिकल रीजनिंग डेटा इंटरप्रिटेशन कॉम्प्रिहेंशन ये सब कुछ इन्वॉल्व होता है पचास से अधिक घंटों की क्लासेस होंगी प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे हर लेक्चर के बाद चार फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे और जो फुल लेंथ टेस्ट होंगे उनका वीडियो भी अवेलेबल होगा आप इस इस कोर्स को अवेल करना चाहते हैं हैं तो इस लिंक पे जा सकते हैं। या फिर आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे पेवन डबल जीरो हमें मेल कर सकते हैं इम्फो एट द रेट ओनली एस डॉट कॉम पे तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना पहला आर्टिकल जो कि कमेटी ऑन प्रिवेजेस के बारे में है हाल ही में बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट जो कि ऑफ पार्लियामेंट भी हैं उन्होंने प्रिवलेजेस कमेटी के सामने लोकसभा के अपना एक इशू एक्सप्लेन किया जहां पर उन्होंने कहा कि पुलिस ने उन्हें अरेस्ट करने के दौरान किया मतलब सही तरीके से उन्हें ट्रीटमेंट नहीं दिया गया वाइल प्रोटेस्टिंग ऑन सम इशू इस पूरे मामले को जो प्रिवलेज कमेटी है वो देख रही है और जो कंसर्न ऑफिशियल्स हैं उन्हें सम्मान भी किया गया है यहां पर मामला निकल के आता है कि आखिर प्रिवलेज कमेटी होती क्या है प्रिवलेज कमेटी एक पार्लियामेंट्री कमेटी होती है पार्लियामेंट के भीतर होती है ये स्पष्ट है ये पार्लियामेंट के दोनों ही हाउसेस में मिलती है यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही आपको पार्लियामेंट्री कमेटी मिलेगी ये एक स्टैंडिंग कमेटी होती है जो कि अगर कोई प्रिवलेज का इशू हुआ है तो उसे इंक्वायर करती है यहां पर आपको उसका मतलब अभी समझ में आ जाएगा जो काम होता है प्रिवलेज कमेटी का वो नेचर में सेमी जुडिशियल होता है सेमी जुडिशियल होने का मतलब ये है कि वो किसी भी डॉक्यूमेंट को मांग सकते हैं किसी अथॉरिटी को सम्मन कर सकते हैं उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं ये सारे अधिकार किसी भी सेमी जुडिशियल अथॉरिटी या कौसी जुडिशियल अथॉरिटी को होते हैं ये प्रिविलेज के ब्रीच के केसेस को एग्जामिन करते हैं अगर आवश्यकता पड़े तो और अप्रोप्रिएट एक्शन भी रिकमेंड करते हैं अगर किसी व्यक्ति ने गलत काम किया है तो उस संबंध में कार्रवाई की जाती है लोकसभा में जो कमेटी होती है प्रिवलेजेस की उसमें होते हैं टोटल पंद्रह मेंबर जबकि राज्यसभा में प्रिविलेज कमेटी में महज दस मेंबर होते हैं लोकसभा में प्रिविलेज कमेटी को हेड किया जाता है हाउस के स्पीकर के द्वारा जबकि यहाँ पर देखिए जो मेंबर्स होते हैं वो जिस पार्टी की जितनी स्ट्रेंथ है हाउस में उसी के बेसिस पे उसी रेशियो में ले लिए जाते हैं और उसे हेड करते हैं कमेटी को स्पीकर राज्यसभा में चेयरपर्सन नहीं करते हैं बल्कि डिप्यूटी चेयरपर्सन करते हैं एज यू नो कि जो चेयरपर्सन होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं तो यहाँ पे डिप्यूटी चेयरपर्सन को जिम्मेदारी दी गई है हाउस का कोई भी मेंबर चेयरमैन या जो राज्यसभा में होते हैं और स्पीकर जो लोकसभा में होते हैं उनके कंसेंट से अगर उनके प्रिवलेजेस को छेड़ा गया है उसका हनन किया गया है तो वो या फिर किसी पूरी काउंसिल का प्रिविलेज हर्ट हुआ है या फिर किसी कमेटी का तो इस संबंध में मामला प्रिविलेज कमिटी के पास चला जाता है क्या कंडीशन है एक ही मैटर होना चाहिए ऐसा नहीं कि बहुत सारी बातों को क्लब करके कोई मुद्दा उठाया जा रहा हो और वो रिसेंट अकरेंस का होना चाहिए दूसरा ये काउंसिल का इंटरवेंशन वहां पर रिक्वायर्ड हो प्रिवेलेज को इंश्योर करने के लिए तभी प्रिवेलेज के ऐसे मामलों को एडमिट किया जाता है पार्लियामेंट्री प्रिवेजेस क्या होते हैं इस पर बात करते हैं पार्लियामेंट और पार्लियामेंट की कमेटीज को कुछ विशेषाधिकार कलेक्टिवली मिलते हैं पूरे हाउस को और कुछ मेंबर्स को मिलते हैं इंडिविजुअली जिसके तहत उनके पास कुछ अधिकार होते हैं कुछ विशेषाधिकार होते हैं कुछ छूट होती है जो वो इन्जॉय करते हैं इन राइट्स के बिना ऐसा माना जाता है कि जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे उनकी फ्रीडम को सेफ करने के लिए और जो अथॉरिटी है पार्लियामेंट की जो डिग्निटी है उसे इंश्योर करने के लिए प्रिवेलेज बहुत जरूरी होते हैं हालांकि जो एब्लिकेशन सोसाइटी को लेकर

power to make regulation rules sub rules sub etc conferred by by the 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 constitution of delegated, uh, of the delegated delegated parliament are being properly properly exercised मतलब जो सारी नहीं, की, वो हो रही की नहीं हो रही है, ये देखने का काम किसका है? पहला ऑप्शन है कमेटी ऑन गवर्नमेंट अशोरेंसेज दूसरा कमेटी ऑन सबिनेट लेजिस्लेशन तीसरा है रूल्स कमेटी और चौथा है बिजनेस एडवाइजरीज कमेटी नहीं है तो मामला साफ है ये question committee का नहीं है, लेकिन

वहां पर वहां के लिए ऑब्जेक्टिव इन ग्रीन रूस का यही है कि हम इन लिविंग रूट ब्रिजेस को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जगह दे सकें जो लिविंग रूट ब्रिजेस होते होते हैं ये होते हैं ये एरियल सस्पेंशन ब्रिज मतलब ये दो सिरों से ऐसे बंधे होते हैं as you can see this in the image, हवा में लटके होते हैं इन्हें बेसिकली करते क्या है कि जो रबर फिक ट्री होता है उसके जो प्लाइबल रूट्स होते हैं प्लाइबल का मतलब होता है लचीला नरम उन रूट्स को आपस में गूद दिया जाता है और जैसे जैसे समय बीतता है कोई मान लीजिए कोई खाड़ी है कोई रिवर स्ट्रीम है जहाँ से क्रॉस करने की जरूरत पड़ती है तो उन्हें वहां पर गूंत देते हैं गूदने के बाद जैसे जैसे समय बीतता जाता है ये रूट्स आपस में और उधरते जाते हैं और रिजल्ट ये होता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रिज के रूप में ये कन्वर्ट हो जाते हैं जैसे जैसे समय बीतेगा ये ब्रिजेस और मजबूत होते चले जाते हैं इन ब्रिजेस को लोकली जिंग किएंग जरी कहा जाता है आई रिपीट इन्हें लोकली जिंग किएंग जरी कहा जाता है सदन पार्ट जो मेघालय का है वहाँ पर इन ब्रिजेस को देखना बहुत ही ज्यादा कॉमन है यू कैन सी आखिर यहाँ पे फिकस इलास्टिका यानी कि रबर के पेड़ों का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है इसके बेसिकली तीन कारण हैं पहला तो इन पेड़ों की रूट्स इलास्टिक होती हैं नरम होती हैं लचीली होती हैं दूसरा इन्हें आसानी से गूँथा जा सकता है तीसरा टफ टेरेन में हमें ब्रिजेस को बनाने की आवश्यकता पड़ती है और ऐसी ही टेरेन में ये पेड़ उगते भी हैं तो ऐसी जगहों पर इन पेड़ों का इस्तेमाल बहुत ही स्वाभाविक है दूसरा ये जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इन ब्रिजेस को कौन तैयार करता है देखिए जो खासी कम्युनिटी है उनके भीतर कुछ सब ट्राइब्स हैं जो इन ब्रजेस को बनाती हैं उन्होंने इसे बनाने की शुरुआत कब की इस बारे में हमें कुछ खास जानकारी नहीं इतना जानते रहे कि खासी ट्राइब के लोग ही इन ब्रजेस को तैयार करते हैं वो इसमें एक्सपर्ट होते हैं लेकिन ये दिखाता है कि लोगों की नेचर के साथ रिलेशनशिप एक बढ़िया है इसके माध्यम से बर्ड एनिमल लाइकन्स मशरूम्स फ्लार्स ट्रीज ये सभी उसके रीजन में ग्रो गुर, करते हैं और इंसानों को आने जाने की जगह मिल जाती है जो प्रश्न पूछा गया था वो ये है भारत के पर्टिकुलर रीजन में जो लोकल लोग हैं वो रूट्स को ट्रेन करते हैं लिविंग ट्री रूट्स के ब्रिजेस के फॉर्म में स्ट्रीम्स के ऊपर जैसे जैसे समय बीतता जाता है ये ब्रिज मजबूत होते जाते हैं इन लिविंग रूट ब्रिजेस को कहाँ पर देखा जा सकता है दैट वॉज अ क्वेश्चन सही जवाब आपको पता है दैट इज मेघालय यानी कि ए विल बी द आंसर हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पूमा के बारे में है जो प्यूमा होते हैं ये बेसिकली आपको अमेरिका के रीजन में मिलते हैं अमेरिका यहाँ पे हमारा मतलब कॉन्टिनेंट से है सदर्न अमेरिका नदर्न अमेरिका इनकी रिलेशनशिप जो 485 एटी फाइव लिविंग स्पीसीज के साथ है जिससे वो लिंक्ड होते हैं या तो वो उन पर डिपेंडेंट हैं या वो स्पीसीज इस प्यूमा uh, पे डिपेंडेंट है ये काफ़ी क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं इस पूरे इकोसिस्टम को होल्ड करने को लेकर वेस्टर्न हेमोसफेयर में ऐसा एक नई स्टडी में निकल के आया है दैट वॉज अ रीज़न कि प्यूमा केम इन न्यूज प्यूमा जिसे प्यूमा कॉनकलर भी कहा जाता है ये फेलिडी फैमिली का एक जीव है जिसे माउंटेन लॉयन काउगर या फिर कैटामाउंट भी कहा जाता है कैटामाउंट आर्किक मतलब प्राचीन इसका मतलब है और का मतलब वही अमेरिकी तेंदुआ होता है ये बड़े ब्राउन कलर के न्यू वर्ल्ड कैट है जिनका साइज जगुआर के जैसा ही होता है ये काफी बड़े जगह में पाए जाते हैं लगभग ट्वेंटी एट कंट्रीज है अमेरिकाज की जहां पर आपको प्यूमा मिल जाएंगे लेकिन इतनी बड़ी संख्या में पाए जाने के बावजूद इनके बारे में इंसानों को कम ही समझ है एंड दैट द रीजन कि इनकी संख्या दिन ब दिन गिरती जा रही है प्य कि जो हैबिटेट हैं वो काफ़ी वाइड है जैसे कि हम बात कर रहे थे बहुत सारी जगहों पे पाए जाते हैं तो डिजर्ट स्क्रब वो जो डिजर्ट वाला एरिया है झाड़ियों वाला एरिया या फिर चैप्रेल स्वैंप फॉरेस्ट इन जगहों पे पाए जाते हैं कुल मिला मैं आपको ये कहूँ कि खुले एरिया में रहना पसंद नहीं करते लाइक एग्रीकल्चर एरिया हो या फिर फ्लैट लैंड हो ये वहाँ नहीं जाएंगे ये जहाँ भी रहते हैं वहाँ उन्हें कैनोपी चाहिए मतलब ये छुपने की जगह हमेशा देख के रखते हैं जो स्पीसीज होती हैं वो एल्यूजिव होती हैं मतलब इन्हें कम ही देखा जाता है ये खुद को छुपा के रखते हैं कई बार ऐसा माना जाता है कि ये विशियस हैं मतलब कि खतरनाक हैं सोलिटी प्रेडिटर हैं अकेले शिकार करते हैं इसी वजह से इनका अक्सर प्रोसिक्यूशन किया जाता है और ह्यूमन प्यूमा कॉन्फ्लिक्ट में अक्सर इनकी जान जाती है आई ने अपनी रेड लिस्ट में इन्हें लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में डाला है बिकॉज इनकी संख्या इनफ है इनके थ्रेट का कारण बेसिकली ये है कि इनका हैबिटेट खत्म हो रहा है इंसानों के साथ कॉन्फ्लिक्ट में इनकी जान जाती है और कई बार इनका शिकार भी कर लिया जाता है हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एशिया मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन टाइगर कंजर्वेशन के बारे में है हमारे यूनियन एनवाइ मिनिस्टर ने अभी हाल ही में फोर्थ एशियन मिनिस्टीरियल टाइगर कंजर्वेशन को अभी एड्रेस किया इस पूरे कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया ऑर्गेनाइज किया गया गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया ने कोलैबोरेशन रहा ग्लोबल टाइगर फोरम यानी कि जी का तो जी और मलेशिया की गवर्नमेंट ने मिलकर इस पूरे कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया इस कॉन्फ्रेंस में जो तेरह टाइगर रेंज कंट्रीज हैं जहां पर टाइगर्स पाए जाते हैं उनके द्वारा क्वालामपुर ज्वाइंट स्टेटमेंट अडॉप्ट किया गया कि हम टाइगर को कैसे कंजर्व करेंगे और आने वाले समय में हमारी क्या ज्वाइंट कमिटमेंट्स रहेंगी जो तेरह टाइगर रेंज कंट्रीज हैं टीआरसी जहां पर टाइगर्स पाए जाते हैं दो हजार मलेशिया बांग्लादेश भूटान कम्बोडिया चाइना इंडिया इंडोनेशिया लाहौस म्यांमार नेपाल रशिया थाईलैंड और वियतनाम ये तेरह देश हैं इन देशों के नाम आप जरूर से याद रखिए क्योंकि अगर किसी भी ग्रुपिंग में देशों की संख्या दस पंद्रह हो तो प्रश्न पूछे जा सकते हैं कौन है कौन नहीं है यू मस्ट नो इस कॉन्फ्रेंस की क्या हाईलाइट रही इंडिया टाइगर रिच कंट्रीज को फैसिलिटेट करेगा ताकि हम न्यू डेली डिक्लेरेशन को फाइनलाइज कर सकें जो ग्लोबल टाइगर समिट होने वाली है रशिया के व्लादिवोस्तोक में उसके दौरान प्री टाइगर समिट के दौरान 2010 में इंडिया ने इस संबंध में एक ड्राफ्ट डिक्लेरेशन तैयार किया था ग्लोबल टाइगर समिट के लिए उसे फाइनलाइज किया गया था जो मिनिस्टर हैं उन्होंने इंडिया की जो टाइगर कंजर्वेशन को लेकर अचीवमेंट रही है उसे हाईलाइट किया कि हमने महज चार सालों में टाइगर की पॉपुलेशन को इंडिया में डबल किया और ये जो हमारा टारगेट था उससे ज्यादा रहा कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड यानी कि सी ने एक के माध्यम से चौदह टाइगर रिजर्व कंट्रीज को चूज़ किया है बेसिकली यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंडिया में चौदह टाइगर रिजर्व को मान्यता दी है टाइगर रिजर्व तो बहुत सारे हैं बट मान्यता सी के दौरान चौदह को दी गई है टाइगर रीलोकेशन प्रोजेक्ट्स इंडिया में काफी सक्सेसफुल रहे हैं हमने राजाजी टाइगर रिजर्व में भारत के वेस्टर्न पार्ट में टाइगर्स को रिलोकेट किया सक्सेसफुली और हमारा प्लान कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में भी टाइगर्स को रिलोकेट करने का है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ नाइनटीन में टाइगर्स को शेड्यूल वन में रखा गया है आई की रेड लिस्ट में ये आपको मिलेंगे इंडिजुअल कैटेगरी में और साइट्स के मिलेंगे अपेंडिक्स वन में जो कि इलीगल ट्रेड को रोकने की कोशिश करता है बात करते हैं जी की यानी कि ग्लोबल टाइगर फोरम ये एकमात्र इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल बॉडी है जिसके मेंबर कंट्रीज खुद से सामने आते हैं और कैंपेन करते हैं टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए 1993 में इसे फॉर्म किया गया था और ये हेडक्वार्टर्ड है इंडिया की न्यू दिल्ली में फंक्शनिंग यही है कि ये हर तीन साल में एक बार मीटिंग करते हैं अपनी जनरल असेंबली की और इनकी स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग साल में कम से कम एक बार होती है जो चेयरपर्सन होते हैं वो इन्हीं जो टाइगर रेंज कंट्रीज हैं उनमें से जो वहाँ के मिनिस्टर्स हैं उन्हीं में से एक होते हैं जिनका टर्म तीन सालों का होता है यहां पर जो देश शामिल हैं टाइगर रेंज कंट्रीज में से जो ग्लोबल टाइगर फोरम का हिस्सा है, वो हैं वो है बांग्लादेश भूटान नेपाल म्यांमार इंडिया वियतनाम और कंबोडिया हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट का जो डॉटर्स के इनहेरिटेंस को लेकर लॉ है उस पर जो अभी स्टेक रहा जो एक जजमेंट आया उसके बारे में है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यह रूल किया है कि डॉटर्स के पास इक्वल राइट होगा फादर की प्रॉपर्टी में इवन जो हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956 आया था उसके पहले की जो प्रॉपर्टीज हैं उस पर भी ये पूरा लॉ एप्लीकेबल रहेगा देखिए इसके पहले तक ऐसा नहीं होता था जो प्रॉपर्टी राइट्स होते थे वो बेसिकली केवल मेल हेयर यानी कि जो उत्तराधिकारी होते थे उन्हें ही मिलता था इस संबंध में जो कानून है हुआ करता था दैट वॉज हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ नाइनटीन ये मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ जो है उसे क्वॉडिफाई कर दिया गया था हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ नाइनटीन में जिसमें ये कहा गया था कि लीगल हेयर कौन होगा प्रॉपर्टी का पिता के जाने के बाद इसके अकॉर्डिंग ये केवल देखिए मुस्लिम क्रिश्चियन पारसी और ज्यूज पे अप्लाई नहीं होता जैन और पे अप्लाई होता है में आर्य समाज समाज ये ये सभी लोग आ जाते हैं पे कहा गया था कि जनरेशन टू तो जनरेशन कई सारे हेयर्स आ जाते हैं कई सारे उत्तराधिकारी आ जाते हैं लेकिन केवल मेल ही जो पिता की प्रॉपर्टी है उसे एक्वायर कर सकते हैं डॉटर्स के पास ये अधिकार नहीं होता था लेकिन दो में हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट आया जिसके तहत ये प्रावधान किया गया कि अब जो डॉटर यानी कि बेटियां हैं उनके पास भी पिता की प्रॉपर्टी में इक्वल राइट्स होंगे जो का, सेक्शन मतलब यहाँ पे बेसिकली वही है मतलब वो प्रॉपर्टी जो एंसेस्ट्रल होती है दादाजी से पिताजी को मिली पिताजी से बात फिर बेटे को मिलती है उस प्रकार की प्रॉपर्टी को कॉपर सेनरी कहा जाता है जो कॉपर सैनडरी प्रॉपर्टी होती है उसमें बेटियों को वही अधिकार होंगे जो बेटों को होते हैं तो यहाँ पे जो बात की गई थी वो बेसिकली इनहेरिटेड प्रॉपर्टी की बात की गई थी उस प्रॉपर्टी की बात नहीं की गई थी जिस प्रॉपर्टी को पिता खुद बनाते हैं लेकिन अभी हाल ही के इस केस में इस बात को भी स्पेसिफाई किया गया है कि पिता के द्वारा अपनी लाइफ टाइम में जो प्रॉपर्टी बनाई जाती है उसमें भी बेटी के पास इक्वल राइट्स होंगे एपेक्स कोर्ट ने 2020 हजार बीस में क्लैरिफाई कर दिया था कि डॉक्टर के पास जो कॉपर सेंडरी राइट्स हैं बाई बर्थ रहेंगे वही अधिकार होंगे जो बेटे के होते हैं मतलब यही पर देखिए यहाँ पे बताया गया है कि कॉरपोरे का रेफर करता है उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से जो फैमिली में चली आती है ठीक है इंटरप्रिटेशन क्यों जरूरी था देखिए वैसे तो बच्चियों को ये या बेटियों को ये अधिकार दे दिया गया है कि वो पिता की प्रॉपर्टी का हिस्सा ले सकती हैं लेकिन कई सारे सोशल और लीगल हर्डल्स उन्हें अभी भी फेस करने पड़ते हैं ये प्राइमरी सोर्स ऑफ वेल्थ माना जाता है प्रॉपर्टी को इसीलिए ये यूजुअली मेल हेयर्स के पास ही जाता है

बोतलब डायनेमिक्स प्राइवेट लिमिटेड के बारे में यह कहा कि एक स्टार्टअप है जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड को सपोर्ट करेगा और लगभग एक हजार ड्रोन को लाइट करेगा बीटिंग दी रिट्रीट सेरेमनी के लिए ऑफिशियली इसका मतलब होता है रिपब्लिक डे का समाप्त होना मतलब जो कार्यक्रम होता है उसे समाप्त किया जाता है उन्तीस जनवरी को और उस दौरान रिट्रीट सेरेमनी होती है सेक्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का इसे ऑर्गेनाइज करता है राष्ट्रपति भवन के सामने रायसेना रोड पर ही यह पूरा कार्यक्रम होता है सेरेमनी काफ़ी पुरानी है इस सेरेमनी के दौरान जो चीफ गेस्ट होते हैं वो प्रेसिडेंट ही होते हैं देखिए इस सेरेमनी को पुराना इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज आर्म फोर्सेज जैसे पहले युद्ध होते थे तो जब शाम हो जाती थी तो युद्ध को रोका जाता था उस दौरान जो भी फाइटर्स होते थे वो सीज फायर कर देते थे आर्म्स को रख दिया जाता था और बैटल फील्ड से वो पीछे हटते थे तो पीछे हटते वक्त भी ये पूरी सेरेमनी ऑप्ट की जाती थी सेवनटीन सेंचुरी में इंग्लैंड में जब वहाँ के राजा जीम्स सेकंड थे उन्होंने ऑर्डर किया था कि उनकी ट्रूप्स जब पीछे हटें तो अपने फ्लैग को नीचे करें परेड ऑर्गेनाइज करें और ड्रम बीट करते हुए पीछे हटें तो इस प्रकार के इसे पूरा एक सेरेमनी का फॉर्मेट दे दिया गया था अर्ली नाइनटीन में जो मेजर रॉबर्ट रहे उन्होंने इंडियन आर्मी को इंडिजिनियसली एक रिट्रीट मैकेनिज्म दिया जिसके माध्यम से जो मास्ड बैंड्स होते हैं उनका इस्तेमाल करके पीछे हटा जाता है ये प्रकार ये जो पूरा ओकेशन है सेरेमनी का इसे यूके यूएस कनाडा न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया इंडिया हर जगह ऑप्ट किया जाता है तो उसी की तरह बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है जिसमें हम रिपब्लिक डे का पूरा कार्यक्रम समाप्त करते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल घरकिन के बारे में है खीरा के बारे में है इंडिया भी हाल ही में खीरा का दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है अच्छी बात है 200 मिलियन यूएस डॉलर को क्रॉस कर लिया हमने इसके एक्सपोर्ट में कई सारे जो इसके पार्ट हैं लाइक पिकलिंग ककम्बर जिसे ग्लोबली रेफर किया जाता है घरकिंस के नाम पे या फिर कॉनिकॉन्स के नाम से लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इसका एक्सपोर्ट बहुत ही ज्यादा रहा दो प्रकार की कैटेगरी है जिसे एक्सपोर्ट किया जाता है एक तो जिसे विनेगर या एसिटिक एसिड एसेट के माध्यम से प्रिजर्व किया जाता है और दूसरा जो पहले से ही प्रिजर्व करके रखे गए हैं इन दोनों का ही ट्रेड किया जाता है गैरकिन कल्टिवेशन जो है वो इंडिया में नाइनटीन के दौरान स्टार्ट किया गया कर्नाटका में बिगनिंग में वहाँ से इसे एक्सपोर्ट किया जाता था बाद में तमिलनाडु आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से भी इसे एक्सपोर्ट किया जाने लगा दुनिया में जितना गैरकिस यूज होता है उसका फिफ्टीन प्रोडक्शन इंडिया में ही किया जाता है लगभग बीस देशों को इंडिया ये एक्सपोर्ट करता है जिसमें नॉर्थ अमेरिका यूरोपियन कंट्रीज ओश जो ओसेनिक कंट्रीज़ हैं यू फ्रांस जर्मनी ऑस्ट्रेलिया स्पेन साउथ कोरिया कनाडा, जापान बेल्जियम रशिया चाइना श्रीलंका इज़राइल इन सभी देशों को इंडिया एक्सपोर्ट करता है इंडिया का जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो तो बढ़िया है ही गहरकिन को लेकर फर्दर ये एक बहुत ही की रोल प्ले करता है रूरल एम्प्लॉयमेंट में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से गहरकिस को उगाया जाता है जिसमें लगभग नब्बे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इन्वॉल्व होते हैं और खीरे की खेती लगभग पैंसठ एकड़ में भारत में की जाती है हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कोयला दर्पण के बारे में है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को तैयार करते हुए या इस्तेमाल करते हुए कोल सेक्टर का एक पोर्टल तैयार किया गया है कोयला दर्पण इसके माध्यम से हम देखेंगे कि कोल सेक्टर कितना बढ़िया परफॉर्म कर रहा है जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं इसमें बेसिकली वो हैं लिगनाइट या कोल प्रोडक्शन कैसा रहा ऑफटेक यानी कि सप्लाई कैसी रही एक्सप्लोरेशन डेटा कैसा रहा सेंट्रल सेक्टर स्कीम का कैसे इस्तेमाल किया गया कोल स्टॉक थर्मल पावर में कितना जा रहा है इंफ्रा प्रोजेक्ट्स कैसे हैं ब्लॉक्स का लोकेशन कैसा है मेजर कोल माइंस की मॉनिटरिंग कैसे हो रही है? कोल के क्या है सभी का इस्तेमाल करके जो वेरियस कोल फील्ड्स हैं उन्हें रैंक किया जाएगा या फिर उनके को किया जाएगा। करते हैं. में चेयरपर्सन इसे करते हैं। गलत है। हमने बात की थी डिप्यूटी चेयरपर्सन इसे करते हैं ना कि चेयरपर्सन तो ये तो हो गया गलत दूसरा है लिविंग रूट ब्रिजेस मेघालय में मिलते हैं तिरानवे बना हेडक्वार्टर है मलेशिया में गलत है इंडिया में ही ये हेडक्वार्टर है तो ये वाला भी गलत हो गया Plan, एक एंसेंट आर्टिफैक्ट है काइंड ऑफ मिरर है जिसका इस्तेमाल इंडस वैली सिविलाइजेशन में होता था साफ साफ गलत है यह एक मैकेनिज्म है जिसके माध्यम से कोल फील्ड्स को क्या उनका परफॉर्मेंस मेजर किया जाएगा बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी 29 जनवरी को होती है रिपब्लिक डे के तीन दिन बाद दैट्स वेरी ट्रू तो हमारा ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है बहुत बहुत धन्यवाद